आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं तालीम की दुनिया, में हूँ आपका वेलविशर हबीबुर रहमान। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा बीए बीएससी फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2019, सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी, पेपर ए। टाइम अलाउड 3 आवर्स 30 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 100। ग्रुप 2। सबसे पहले नोट गिवन है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, द आंसर शुड बी रेलिवेंट टू द क्वेश्चन एंड शुड नॉट एक्सीड 150 to 200 वर्ड्स। इसमें आपको कहा गया है कि इस पेपर में जितने भी सवाल आते हैं वो बराबर नंबर के हैं, हर सवाल के बराबर नंबर हैं। उसके अलावा जो आपने आंसर्स करने हैं क्वेश्चंस के, वो आपने उस क्वेश्चंस के रिलेवेंट होने चाहिए और 150 से 200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर 5 सवाल पर मुश्तमिल होता है और हर सवाल में आपको चॉइसेस दी जाती हैं और उन चॉइसेस को आपने अवेल करते हुए कोई से भी उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये मुश्तमिल होता है, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको 5 चॉइसेस दी जाती हैं, यानी 5 पार्ट गिवन होते हैं, उन 5 में से आप कोई से भी 3 को एक्सप्लेन करना है और उसकी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना है। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है जिस जो है सबक या जिस पोएम या जिस वन एक्ट प्ले से वो स्टैंजा लिया गया है, उस सेंटेंस का नाम लिखना है और साथ ही साथ उस सेंटेंस का जो राइटर है या पोइट कह लें उसका भी नाम लिखना होता है। ये होता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और साथ ही साथ उस एक्सप्लेनेशन भी करनी है उस पैरे की, यानी उसका जो मफहूम है, जो खुलासा है, जो समरी है उस स्टैंजा की, वो भी आपने लिखनी है। इसी को एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल का मैं आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया बता दूँ कि बुक के कौन सी जगह से ये सवाल स्टैंजे बन के आते हैं। तो इस सवाल के जो पहले 3 स्टैंजाज हैं, जो पहले 3 पार्ट्स हैं ए बी सी, ये तीनों पार्ट्स पोएम्स में से आते हैं, जबकि जो दूसरे 2 पार्ट हैं डी और ई, ये दोनों पार्ट्स आपके वन एक्ट प्लेस में से आते हैं। ये अच्छी तरह नोट कर लें और जहन नशीन कर लें। हर पेपर जो इंग्लिश कंपलसरी पेपर ए है, सिर्फ इस साल का नहीं, हर साल इसी तरह का क्राइटेरिया रखा जाता है इंग्लिश कंपलसरी पेपर ए के लिए। ये ना सिर्फ बी ए बी एस सी के स्टूडेंट्स इन चीज़ों को नोट कर लें, बल्कि ए डी ए और ए डी एस के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसको मद्देनज़र रखें, वो भी इसको अपने जो है पेपर को तैयार करने के लिए इसी पेपर पैटर्न को जो है फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इस पेपर का जो दूसरा सवाल है उसमें भी आपको 2 पार्ट दिए गए हैं और फिर दरमियान में आर का ऑप्शन है, फिर 2 पार्ट दिए गए हैं। तो इस तरह से इस पेपर में भी ओवरऑल आपको 4 पार्ट्स गिवन हैं। या तो आपको पहले 2 पार्ट्स करने हैं, या फिर आपने दरमियान में जो आर है और उसके बाद 2 पार्ट्स हैं, या फिर आपने वो वाले करने हैं। इस तरह नहीं है कि पहले आप पहले 2 में से यानी 2 पार्ट हैं ए बी, उसका ए पार्ट कर लें, फिर दरमियान में आर के बाद जो 2 ऑप्शन आपको गिवन हैं उनमें से कोई कर लें, या इस तरह नहीं करना। या तो आपने पहले 2 करने हैं या फिर दूसरे 2 करने हैं, दरमियान में आर का ऑप्शन दिया गया है। तो ये इसका क्राइटेरिया, सवाल नंबर 2 का क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं। तो ये जो है 1 मॉडर्न एसेज में से आते हैं, इसके दोनों पार्ट्स जो हैं पहले 2 पार्ट्स ए और बी और फिर आर के बाद जो 2 पार्ट्स गिवन हैं, ये दोनों ही ये 4 पार्ट्स जो हैं ये मॉडर्न एसेज से लिए गए हैं। तो आपने जो हर अगले साल का जो पेपर तैयारी करनी है उसकी भी आपने इसी तरह से तैयारी करनी है, आपने मॉडर्न एसेज को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की तैयारी करनी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपको ओवरऑल 4 पार्ट्स गिवन हैं, पहले ए और बी गिवन है, फिर दरमियान में आर है, फिर ए और बी पार्ट्स गिवन हैं। तो इसमें भी आपने उसी तरह करना है, या तो आपने पहले 2 पार्ट्स करने हैं ए और बी, अगर वो आपने नहीं करने तो फिर आर के बाद वाले जो 2 पार्ट्स हैं ए और बी, ये करने हैं। ये लिए गए हैं शॉर्ट स्टोरीज़ में से, ये 4 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स शॉर्ट स्टोरीज से लिए गए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 4 पार्ट्स गिवन हैं, पहले ए पार्ट ए और बी गिवन है, फिर दरमियान में आर का ऑप्शन है और फिर ए और बी गिवन है। इस तरह ओवरऑल आपको 4 पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये 4 पार्ट्स पोएम्स में से लिए गए हैं। तो या तो आपने पहले 2 पार्ट्स करने हैं या फिर दोनों नहीं करने तो आर के बाद वाले 2 पार्ट्स करने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ओवरऑल इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको आर का ऑप्शन गिवन है, उसके बाद 2 पार्ट्स हैं और उससे आर से पहले जो है आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का सवाल दिया गया है, बहुत बड़ा सवाल है, या तो आपने उसको अटैम्प्ट करना है या आर के बाद वाले आपने 2 पार्ट्स करने हैं, इन दोनों में आपके पास चॉइसेस हैं। ये पूरे का पूरा सवाल नावल में से लिया जाता है और इस बार भी लिया गया है। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझनी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखते रहें तालीम की दुनिया, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।